My name is Sobharani Behera. I have completed my graduation from Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar. I have qualified SBI PO and SBI clerk both in 2019. Then I am from Bhubaneswar. I live with my family in Bhubaneswar. I take coaching for this competitive examination from Barnick Institute, Bhubaneswar. मो नाम हूँ बाबरचंद्र बेहरा मो शोभार बापा तो ये जिते बैंकिंग रे पाइला पीओ पोस्ट पाइला आम बहुत खुशी हलु तो से पाइबार पछरे तो तार तो बहुत परिश्रम अच्छी प्लस गार्डियन हिसाब से तो मुझे ये कहि पे गाइड करवा दरकार तीन टा जिन सब मन रखा दरकार श्रद्धा भक्ति आउ कठोर परिश्रम दरकार पढ़िया प्रति श्रद्धा थी दरकार आउ भगवान प्रति ईश्वर प्रति गुरुजन प्रति शिक्षक मान प्रति भक्ति थी दरकार आ कठोर परिश्रम कर दरकार ये तीन टा जी कौन पिला कर जीवन निश्चिंत सफल हे तो जोटा कि सी आज करनटार उठी से पाठ पढ़े आ बहुत परिश्रम भी कै कहीं मु तो मोर आम आर्थिक अवस्था भी बहुत खराब मुझे देखी मुझे जो पचास टाँग कि षाठी टाँग देखिए पठेबी कोचिंग सेंटर हो कि एग्जाम देवाई से तादर केवल गाड़ी फेयर छाड़ी बाकी पैसा से फेरी आनी थो कारण मुझे कष्ट पैसा रोजगार करुच्ची सेटा से फिलिंग कै आ गोटे पैसा भी बेकार से खर्च कैनि तेणु से सब तार चिंताधारा था मो बापार परिश्रम केमी मुझे करके देखेबी जोटा कि से करके देखे आम बहुत खुशी आई भानिक रे सी पढ़ुला भानिक भी आम बहुत खुशी तो भानिक को आम बहुत धन्यवाद दौचु तो सेठी जिते भी ज्ञानी पिला आहुत भल भल पिला आई कि निश्चिंत दिन सक्सेस हे केवल तक गार्डियन मान को अनुरोध पिला खाली टे गाइड करेंगे ये कि पिला केमी जाऊँ पढ़ुची कौन से टी आम तो सही विषय धारणा ना ये आम खाली गाइड कर मो नाम मीनतीलता बेहरा मु शोभार मम्मी मोर ठाकुर पाखर सब बड़े प्रार्थना मो छुआटी केमती सक्सेस हो जाऊ से दिन भानिकर रिजल्ट बाहर लापरे आम बहुत खुशी हलु आउ से भी बहुत परिश्रम करथला ता संगे संगे आम माँ बापा भी बहुत परिश्रम करथलु जाऊ एतिकी भगवान को निकट रो प्रार्थना जाऊ छुआटी आमर सक्सेस हला शोभार बापा आ माँ बहुत धर्मपरायण लोक आर्थिक स्वच्छता विशेष नथिले मध्य तापाई बहुत परिश्रम करिसंती आ सबुठु बेसी मु खुशी शोभारणी उपरे से बहुत परिश्रम तो करछि निश्चित भाव में स्टेट बैंक भाया गोटे लीडिंग बैंक रे पीओ पाई ता छड़ा ता परे भी लोक मैंने जी गर्व ये सब कर मनरे टिके गर्व ना कि ना से जेन से नॉर्मल से सरल सुंदर कथा से मु भावे झील ना गोटे हीरा घर बोध जन्म होती बहुत सुंदर आ बहुत बढ़िया झील आई हाव कम्प्लीटेड माई टेन्थ फ्रम राउरकेला देन आई कम फॉर माई इंटरमीडिएट इन कटक देन आई टेक मेडिकल कोचिंग बट आई हैव नॉट सक्सेस इन दैट एंड आई एडमिशन टेक एडमिशन इन ग्रेजुएशन देन आई गो फॉर एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी देन आई कम्प्लीटेड माई एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट फ्रॉम रमादेवी यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर देन आई प्रिफर फॉर पब्लिक सेक्टर जॉब्स सो आई प्रिफर फॉर बैंकिंग जॉब्स एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग मेरा पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं हमेशा एक पब्लिक सेक्टर जॉब के लिए सोच रही थी तो मैं सोचा कि बैंकिंग सेक्टर ही अच्छा होगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी इकोनॉमी के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर अभी एक लीडिंग प्लेटफॉर्म में है इसीलिए मैं बैंकिंग सेक्टर को प्रिफर की इसीलिए एंड ऑल्सो माय फैमिली मेंबर है इन बैंकिंग सेक्टर सो आई टेक मच इंटरेस्टेड फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड SBI PO एज वी ऑल नो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया सो आई प्रिफर्ड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड आई क्वालिफाइड दिस
आफ्टर इट हैज थ्री फेजेस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेन्स एग्जामिनेशन देन वी हैड GDPI राउंड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड एंड आई सिलेक्टेड एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI. मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि अपना काम करो मीन्स वर्क हार्ड इज द ओनली की टू सक्सेस सो आई ऑलवेज वर्क हार्ड एंड आई बिलीव इन दैट. सुबह मैं तीन से चार बजे तक उठ जाती हूँ और 3 से 4 बजे उठने के बाद मेरा हमेशा रूटीन रहता है कि मैं एक मॉक टेस्ट दूँ क्योंकि आप सब जानते हैं बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए मैं सुबह उठ के 1 से 2 मॉक टेस्ट देती हूँ. उसके बाद मैं उसको एनालिसिस करती हूँ, थोड़ा GK पढ़ती हूँ और मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ. लाइब्रेरी में ही मेरा 12 आवर चला जाता है क्यों. उसके बाद घर आके मैं फिर से थोड़ा फ्रेश होके फिर से पढ़ाई में बैठ जाती हूँ. शाम के वक्त मुझे GK पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़ा मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा लगता है. फिर मैं रात बजे तक वही प्रैक्टिस करती हूँ, फिर एक मॉक टेस्ट देती हूँ और मैं रात को जल्दी सोना प्रिफर करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है. मैं जब बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए आई उस वक्त मुझे पता चला बानी के एक इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, इसलिए मैं वहाँ पर एडमिशन ली और वहाँ पे ही मेरा जो फाउंडेशन है, मेरा पढ़ाई का फाउंडेशन वहीं पे ही बिल्ड हुआ क्योंकि हमारा फंडामेंटल कोर्स में ज्वाइन की बानिक में और वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश करेंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस सब सब्जेक्ट का फैकल्टी बहुत अच्छे है, वो बहुत कोऑपरेटिव है, उनका पढ़ाई का स्टाइल वहाँ पे ही मेरा फंडामेंटल बिल्ड हुआ. उसके बाद मेरा फंडामेंटल ख़त्म होने के बाद मैं बानिक का ऑनलाइन टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन की हूँ. उसके साथ मैं और जो साइट से उसमें से मॉक टेस्ट लगातार फॉलो करती हूँ. मॉक टेस्ट देने से हमारा स्पीड इंक्रीज होता है क्योंकि बैंकिंग प्रिपरेशन में और बैंकिंग क्लियर करने के लिए हमें स्पीड चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट से ही हो जाता है. इसीलिए मॉक टेस्ट देती हूँ एंड करेंट अफेयर के लिए मैं मैगज़ीन पढ़ती हूँ, बानिक का मैगज़ीन और अलग मैगज़ीन फॉलो करती हूँ. न्यूज़पेपर पढ़ना मैं उसी दिन स्टार्ट की थी जब मेरा बानिक में फर्स्ट फंडामेंटल क्लास था. वहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास में टीचर हमको बताए थे कि अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो न्यूज़पेपर डेली रीडिंग न्यूज़पेपर एंड उसमें से भोकाब अपने आप ही खुद लिखना चाहिए. न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश स्ट्रांग होता है और करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होता है, इसलिए मैं न्यूज़पेपर हमेशा फॉलो करती हूँ. न्यूज़पेपर हमेशा डेली हाफ टू 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग में जाता है मेरा. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिफर करती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए मुझे अच्छा लगता है. मैं हमेशा कुछ करना चाहती थी. मुझे ग्रेजुएशन के बाद पता चला कि मुझे एक पब्लिक में अपने आप रियलाइज़ की कि मुझे एक पब्लिक सेक्टर में जाना है क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर में पसंद नहीं था, इसीलिए मैं बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन की. एंड बैंकिंग सेक्टर एग्ज़ाम दिन डे बाय डे बहुत टफ होते जा रहे हैं लेकिन उसमें मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस था. मैं आज बिलोंग करती हूँ एक स्पिरिचुअल फैमिली से तो भगवान के ऊपर मेरा भरोसा था, अपने हार्डवर्क पे मुझे भरोसा था, इसलिए मैं जानती थी कि मैं एक ना एक दिन सक्सेस होंगी. लेकिन उसके बीच में बहुत सारा एग्ज़ाम दी हूँ, उसमें कभी प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, फिर मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, ऐसे हो के बहुत बीच में कभी अपने आप पे भरोसा टूट जाता था, डिप्रेशन में आ जाती थी. लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स ऑलवेज सपोर्ट मी,
that I will clear the exam and definitely I will success in exams. मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद मेरे जो भी गलतियाँ होते थे जो भी अगर आज मैं एक एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला है मैं आज उसमें फेल हो गई हूँ तो उसमें मेरा क्या गलती हुआ मैं उसको नेक्स्ट टाइम मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहती थी कि वो भूल मेरा दोबारा ना हो. इसीलिए मैं एक भूल से कुछ सीखती थी और उसको दूसरे में इम्प्लीमेंट करती थी. मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद SBI PO 2019 में आया. प्रीलिम्स हो गया फिर मेंस के लिए मैं मॉक टेस्ट देती थी मेंस का मॉक टेस्ट. उसके बाद इंटरव्यू के लिए मेंस भी रिजल्ट आ गया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया. उसके बाद मैं सोची कि मुझे इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करना है. इंटरव्यू उसमें GDPI राउंड होता है इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए मानिक में एडमिशन की एंड उसमें मानिक के इंटरव्यू प्रोग्राम बहुत अच्छा था मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ. मैं वहाँ पे बहुत सारे चीज सीखने को मिला. ग्रुप डिस्कशन ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू प्रोग्राम बहुत अच्छा था बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए. जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए एक बात याद रखना वर्क हार्ड एंड स्टे कॉन्सिस्टेंट. रिजल्ट एक रात में नहीं आ जाता है उसके लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ओवर टाइम रिजल्ट ओवर टाइम वर्क से ही रिजल्ट आ जाता है. ओवरनाइट काम करने से एक ही दिन में रिजल्ट नहीं आएगा. कॉन्सिस्टेंट मेंटेन करना चाहिए. अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए. सेल्फ मोटिवेशन अगर आप किसी में फेल हो जाते हो किसी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है तो सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को ही समझना चाहिए कि नहीं मेरा इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट में मैं क्वालिफाई कर जाऊँगी. ऐसे रख के हमेशा पढ़ते रहो आपका रिजल्ट आ जाएगा. फॉर माई सक्सेस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल माई टी गॉड माई पेरेंट्स. विदाउट देयर सपोर्ट आई वॉज नॉट एबल टू हियर एंड टीचर्स. विदाउट ए प्रॉपर गाइडेंस ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड आई गॉट दिस फ्रॉम मानिक इंस्टीट्यूट. फैकल्टी आर वेरी वेरी फैकल्टी आर वेरी गुड. दे ऑलवेज कोऑपरेटिव. दे ऑलवेज हेल्प मी इफ आई हैव एनी डाउट.